मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं अपने ही जिले पाकुड़ के जयकृष्णपुर पंचायत के नए आजना गांव में उपस्थित हूं, और आप जो मेरे पीछे एक ब्रिज बनता हुआ देख रहे हैं, इस ब्रिज पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा मंजर ये देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस ब्रिज पे बात करते हैं। ভাগলপুরে ব্রিজ বিপর জয় ভাগলপুরে সুলতানগঞ্জে একবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো নির্মীয়মান কেবল ব্রিজ, দেখুন সেই ছবি। তো দেখা আপনে ये ব্রিজ जो आपने देखा अभी अभी, ये बिहार के भागलपुर का ब्रिज है जो अभी 3 दिन पहले ही वहाँ पे टूट के गिरा है। आइए अब हम इस ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ये ब्रिज जो है, आपको बता दूं कि ये ब्रिज ठीक वैसा ही है जैसा कोई बरसों मन्नतें मांगने के बाद, बरसों इंतज़ार करने के बाद किसी को एक बच्चा मिलता है, ठीक उसी तरह ये एक सपनों का ब्रिज है जो इस गांव के बुज़ुर्गों ने बरसों तक, सालों तक एप्लीकेशन देने के बाद, बहुत मांग करने के बाद ये ब्रिज इन लोगों को मिलने जा रहा है और ये ब्रिज इस साल बनने जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये ब्रिज जो है एक सपनों का ब्रिज है, बहुत दिनों का इंतज़ार का ये एक फल है। तो ये आप लोगों का ये सपनों का ब्रिज, अगर आप चाहते हैं कि इस ब्रिज का हाल ठीक इसी ब्रिज की तरह हो जो बिहार के भागलपुर ब्रिज का हाल आपने देखा, तो आप घर पे आराम से बैठे रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों का ब्रिज का भविष्य खराब ना हो, इसका भविष्य उज्जवल हो और आपका सपना चूर चूर ना हो जाए, तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस ग्रामीण के जो नए आजना मणिरामपुर और पुराने आजना के लोग हैं, मैं आप सबों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो हैं यहाँ पे आइए और इन सारी चीज़ों को देखिए। देखने के बाद कहाँ क्या कमी है, अगर जांच की मांग हो तो वो भी आप आवाज़ उठाइए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही तो वो आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आपका सपना है और आपका सपना टूटना नहीं चाहिए। तो आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए, अभी मौका है, अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमेशा के लिए आपकी आवाज़ दफन हो जाएगी। थैंक यू।